हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल डिवीजन का ये क्वेश्चन है, जिसमें टाइम 2 आवर्स का दिया गया है, 2 आवर्स, ठीक है। और टोटल जो नंबर्स हैं वो 100 हैं, ठीक है। और ये 6/9/2021 को ये एग्ज़ाम हुई है। टोटल इसमें 110 क्वेश्चन हैं, जो कि सभी डिविजन्स में वैसे ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं डिविजन्स में ये होता है कि 91 से 100 तक का क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, या तो आप 91 से 100 तक का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, या 101 से लेके 110 तक का। इन दोनों में से कोई, ऐसा रेयर केस में होता है, जनरली होता है क्या कि आप कोई भी 100 क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट कीजिए, 10 क्वेश्चन कोई भी छोड़ दीजिए। और ये भी उसी तरह का है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि कुल 100 प्रश्न जो है प्रथम उत्तरित प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है मेरे पास इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका हिंदी वर्जन ही आपको वीडियो बनाऊंगा। जिनको हिंदी नहीं आती है उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा इंग्लिश में भी उसको यूज़ करूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, मैथ से ही शुरुआत है इसकी, कोटा डिवीज़न है, ठीक है, मैथ से शुरुआत। वृत्त का क्षेत्रफल 616 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात करना है, यानी कि डी ज्ञात करना है, ठीक है। डी यानी डाया, डाया तो आपने व्हील का और एक्सल का भी पढ़ा होगा, लेकिन वृत्त का भी डाया आपको देखना है, डायमीटर। चलिए 616 है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और व्यास ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला ही आप लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 616, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दिया हुआ है, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 बटा में हो जाएगा पाई, क्योंकि समीकरण है उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, इधर गुना में था। चलिए पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, तो यहाँ पाई की जगह पर 22/7 भी हो जाएगा। और आपको मालूम है इस तरह का 2 बटा वाला क्वेश्चन रहेगा, तो तीसरा वाला है जो ऊपर जाता है, यानी कि अब हो जाएगा 616 गुना 7/22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं 616 गुना 7/22 हो जाएगा। अब इसको काटना है, 11 से कटेगा 2 बार में, ठीक है, 11 से कटेगा ये, 11 5 55 और इसमें से 5 6 बचा, 11 66 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कटेगा कितना बार में, 28 बार में, 28 2 56 कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर का मान है, ठीक है, आर स्क्वायर का मान हो गया 28 गुने 7, यानी कि आर का मान अगर निकालना होगा तो इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो आप 28 को लिख सकते हैं 4 गुना 7, ठीक है, तो 4 1 हो गया और 7 1 हो गया, और 1 7 पहले से है, ठीक है। 4 को भी आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो इसका जोड़ी हो गया 2, इसका भी जोड़ी हो गया 2, और इसका वर्गमूल यानी कि जोड़ी में से 2 1 1 निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 2 और 7 इसका वर्गमूल होगा, यानी कि R का मान कितना होगा, 7 गुना 2 यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको R का मान नहीं पूछा है, डी निकालना है, तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, ये वृत्त है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से ये जो है त्रिज्या है, ठीक है, ये पूरा अगर कर दीजिएगा तो व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसका दुगुना करना होगा, तो 28 हो जाएगा, 14 का 2 से गुना कीजिएगा 28 हो जाएगा, यानी कि 1 का हो जाएगा डी। चलिए दूसरा देखते हैं। एक आयताकार में लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 0.5 मीटर है। एक आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई कितना है 2 मीटर है और चौड़ाई है 0.5, इन दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक है, 0.5 और 2 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दुना 10, और 1 अंक के बाद 0 में लगाइएगा तो यहाँ 0 1 कितना बचेगा 1, यानी कि इसका 1 वर्ग मीटर आंसर होगा और इसका ए हो जाएगा, क हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, तीसरा इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, 0.0 गुना 5 + 3 गुना 1, तो 0 में 5 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में 0 जुड़िएगा तो 3 हो जाएगा, तो इसका ग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 4 नंबर में, 4 - 3 × 6, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 होगा, और 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा, इसका हो जाएगा डी, यानी कि घ। 5 देखिए, 8+, ये ब्रैकेट टाइप का ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप पहले ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है, और चिन्ह में पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, ठीक है। तो भाग का पहले तो ब्रैकेट करना है, ये ब्रैकेट में है, इसको लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में पहले भाग करना है, तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा, और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6, ठीक है, 6 ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह समझा जाता है, तो 4 के बाद यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो 4 के बाद गुना है, तो इसका अंदर का मान, अंदर का मान आया था 4 में 2 से भाग दिए थे 2, और 2 में 3 से गुना किए तो 3, यानी कि द्वितीय 6 आया था, तो 6 में 4 से गुना किए तो 24 आ गया, तो बाद में हम लोगों को 8
और उतना का मान 24 है प्लस 1 है, सबको जोड़िएगा 33 आएगा, 33 डी में है, यानी कि 5 का हो जाएगा डी। ठीक है, 6 चलते हैं। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो इसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो 300 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में करती है, यानी कि इसका चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसे आया? 300 में 6 से भाग दिए, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि अंक जो है मोटे मोटे हैं, यानी कि पूरा करेक्ट कटने वाले हैं, तो आप ऐसे ही जोड़ लेंगे। 50 किलोमीटर की इसकी चाल है और इसको 450 किलोमीटर चलना है, तो कितने घंटे टाइम लगेंगे? 9 घंटा लगेंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा ग। 8 देखिए, एक दुकानदार में 450 साड़ियाँ थी, इसमें 36 साड़ियाँ बिक गई, बताइए कितने परसेंट साड़ियाँ बिक गई, यानी कि परसेंटेज पूछ रहा है। किसका? 36 का। किसके परिप्रेक्ष्य में? मतलब 450 के रिस्पेक्ट में। तो जब भी आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर। ठीक है, 36 के बारे में पूछा है कि 36 क्या प्रतिशत है किसका, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे। ठीक है, गुना कर देना है, 100 से काटिएगा वही आपका आंसर होगा। इसको 10 से 10 कट गया, 9 से इसको 5 बार में काट सकते हैं, इसको 4 बार में काट सकते हैं। ठीक है, अब 5 से इसको 2 बार में काट सकते हैं, तो 4 और 2 बचा, दोनों को गुना किए तो 8 आया, यानी कि 8% ग में है, यानी कि 7 का हो जाएगा ग। 8 देखिए, ये जो है इंटरमीडिएट जो आपने मैथ पढ़ा होगा तो उसमें का है, ये एपी अरिथमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, एक जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतरण श्रेणी होता है, इसमें समान जो है संख्या या तो घटेंगे या तो बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें समान ही घट रहा होगा, 10 में से 3 घटा तो 7 हो गया, 7 में से 3 घटा 4 हो गया, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 में से 3 घटेगा -2 हो जाएगा। इस तरह माइनस करते करते 30वां जो उसका पद होगा, यानी 30th टर्म जो होगा वो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है TN, यानी TN बराबर होता है a+n-1 × d, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। a क्या है? a है फर्स्ट टर्म, जहाँ a कहा जाता है फर्स्ट टर्म को, d कहा जाता है कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, बीच में का जो डिफरेंस होता है, जैसे 10 और 7 के बीच का 3 का डिफरेंस है, उसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और n कहा जाता है nth टर्म, कितना टर्म आपको निकालना है वो, यानी कि 30वां पद निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला बिठाते हैं, a यानी 10 प्लस, ठीक है, n कितना है 30 है, -1, ये फार्मूला में ही है, गुना d कितना है 3 है, लेकिन 3 घट रहा है बार बार, तो -3 यहाँ इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 10 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, 30 में से एक गया तो हो जाएगा 29, और उसमें -3 से गुना कीजिए, सॉरी 29 में -3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -87। ठीक है, इसमें +10 जोड़िएगा तो -77 हो जाएगा, और -77 डी में है। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा डी। 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट है। ठीक है, बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, 2, 3 एवं 4, 1। ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो दो टर्म रहेंगे, ठीक है, जिसमें से कोमा दे दे के दो दो रहेंगे ब्रैकेट में, उसके बीच की दूरी अगर आपसे पूछेगा तो इसमें इसका भी फॉर्मूला आता है। लेकिन सबसे पहले इसको कहाँ किया जाता है ये जानना आपको ज़रूरी है। ये जो है x1y1 होता है और ये x2y2 होता है। ठीक है, x1y1 और x2y2, ठीक है, x1y1 और x2y2 होता है, 2 है x1 और 3 है y1, ठीक है, 4 है x2 और 1 है y2। ठीक है, इसको निकालने के लिए डिस्टेंस जो दोनों के बीच की जो बिंदु है उसके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला है वो इस प्रकार से है, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस ये पूरा का रूट है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा का रूट है, याद रखिएगा। तो चलिए मान बिठाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x2 क्या है, x1 y1, याद रखिएगा x1 y1, x2 y2, तो x2 y2 कितना है, x2 है 4। ठीक है, अब माइनस x1 है 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है, y2 है आपको 1। ठीक है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर,
इसको सॉल्व कीजिए तो चार में से दो गया तो दो हो गया, दो का होल स्क्वायर हो जाएगा चार। इसके एक में से तीन जाएगा तो माइनस टू होगा, माइनस टू का भी होल स्क्वायर कीजिएगा तो चार ही होगा, चार और चार आठ हो गया, और आठ का वर्गमूल होता है टू रूट टू, ठीक है। टू रूट टू कॉम है, नौ का हो जाएगा कॉम, ठीक है। दस, चलिए दस में क्या है, इन सबका स्क्वायर करके जोड़ना है। लेकिन इसमें भी एक टेक्निक है, टेक्निक क्या है कि टू के पावर जीरो का मान जिसको मालूम होगा उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दो का पावर चार है तो दो का चार बार गुना की दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह हो गया, ठीक है सोलह। फिर दो का पावर तीन है तो दो दुना चार, चार दुना आठ हो जाएगा, ठीक है। प्लस दो का पावर जीरो है जिसका मान वन होता है, किसी भी संख्या के पावर में जीरो हो, यदि एक्स बार जेड भी हो उसके जो पावर में जीरो हो तो उसका मान वन होता है। सबको जोड़िएगा तो सोलह आठ आठ चौबीस, चौबीस एक पच्चीस हो जाएगा। पच्चीस किस में है, पच्चीस है आपको ए में, क में, ठीक है। तो इसका दस का हो जाएगा क। इलेवन देखिए, मेजर पेनल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम के साथ कितने एनेक्चर लगाया जाता है। जो मेजर पेनल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम जो होते हैं उसके साथ कितने एनेक्चर लगाए जाते हैं वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो मेजर पेनल्टी जो चार्जशीट होती है उसके साथ चार मेमोरेंडम लगाए जाते हैं, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा ख। इसका हमने आपको जो लीव एंड लीव बोल रहा है डिसिप्लिन अपील रूल का जो हिंदी आपको पीडीएफ दिया है उसी में नीचे ऑब्जेक्टिव बनाया है आपको, ठीक है, जिसमें लगभग 200 के आसपास ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद भी सबको दिया है ऑब्जेक्टिव। उसमें आपको सारे क्वेश्चंस का जो भी डिसिप्लिन अपील रूल से, पास पीटीओ रूल से, लीव रूल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उन्हीं ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबका अलग अलग हमने दिया है, अगर किसी को नहीं मिला है तो आप ले सकते हैं। लीव एंड पास का ऑब्जेक्टिव अलग से दिया है, और जो हमने डिसिप्लिन अपील रूल का वीडियो हिंदी में जिसका नोट्स बना है उसी में नीचे ऑब्जेक्टिव दे दिया है, उसी से आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यदि नहीं मिला है तो हमसे मांग सकते हैं, अपना रोल नंबर और नाम डिवीजन लिख के भेजिएगा कि सर मुझे नहीं मिला है, तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वो कौन सी तारीख है, डेट पूछ रहा है, ठीक है, जिसके जिससे रेलवे सर्वेंट अनुशासन एवं अपील नियम 1968 प्रभाव में आए, यानी कि अफेक्टेड डेट पूछ रहा है डिसिप्लिन अपील रूल का, तो वो है 1 अक्टूबर 1968। ये तो ऊपर में ही लिखा हुआ है जो हमने आपको मिस नोट दिया है कि डिसिप्लिन अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 को प्रभाव में इफेक्ट में आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ड्यूरिंग सस्पेंशन के दौरान जो है किस प्रकार के हकदार होगा, किस प्रकार किसे का हकदार होगा एक रेलवे कर्मचारी। तो देखिए, जब सस्पेंशन होता है तो आप मुख्यालय भी छोड़ नहीं सकते हैं, जिस जोन में रहते हैं वहाँ छोड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए एक मेजर कुछ ना कुछ कारण देना होगा और साथ ही कुछ ना कुछ उसमें टर्म्स कंडीशन है, इसलिए ये उसका हक नहीं है। इस तरह की मीटिंग जो होता है पीएनएम जेसीएम जो मीटिंग होता है, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं और हमने आपको उसको बताया भी है, ठीक है। उसके बाद ग है, बचाव पक्ष के वकील की तरह डिफेंस के जगह जैसा खुद काम करने का ये हमको पावर है, ठीक है। तो इसका 13 का हो जाएगा ग, याद रखिएगा। 14 देखिए, अनुशासन एवं अपील नियम 1961 के अधीन जब एक रेलवे कर्मचारी पर कार्रवाई शुरू की जाती है तब कितने प्रकार के मानक फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको मालूम है 11 प्रकार के हैं, ठीक है। SF-11 जो कि माइनर पेनल्टी होती है, SF-5 मेजर पेनल्टी होती है, तो 11 प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होते हैं नॉर्मली, हालांकि उसके बाद के ही हैं लेकिन नॉर्मली 11 प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होते हैं। तो 14 का हो जाएगा क, ठीक है, हालांकि इससे ज़्यादा का ऑप्शन भी नहीं दिया है, अब ऑप्शन के अनुसार भी आपको चलना है। 15 देखिए, तो 14 का ए हो गया, क हो गया। भारत में सरकारी कर्मचारी यदि विदेश सेवा में अस्थायी तौर पर लगाया जाता है तब कौन से लीव नियम लागू होंगे। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई है या तो रेलवे या किसी भी सेक्टर में है सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है, उसमें CCS लीव 1972 अप्लाई होता है, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा बी। 16 देखिए, एक सरकारी कर्मचारी को एक समय में एक बार में अधिकतम कितने दिनों की LAP लीव ऑफ एवरेज पे, ठीक है, स्वीकृत की जा सकती है, 180 डेज का है, ठीक है, मैक्सिमम 180 डेज का है। इसमें देश विदेश का वर्णन कुछ भी नहीं किया है, अगर अपने देश में लेना चाहते हैं तो अलग है, अगर किसी पड़ोसी कंट्री में जाके लेना चाहते हैं उसका अलग रूल है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो 180 दिन लगाएंगे, ठीक है। 17 देखिए,
लीव रूल्स का जो हमने आपको हिंदी में दिया है उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। सुविधा पास पर बीच रास्ते में कितने यात्रा विराम स्वीकार है, जो भी आपको नोट्स देता हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। हमने देखा है कि जो लोग पहले से मटेरियल लेके पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं हो पाया, रिजल्ट तो हुआ लेकिन फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो कट ऑफ मार्क्स होता है उसमें नहीं हो पाया, इसका कारण है कि उन्होंने ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं किया। और जिन्होंने बाद में लिया और लगन से किया, बाद में टेस्ट में भी अच्छे अच्छे नंबर लाए और उनका सिलेक्शन हो गया। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मटेरियल ले लीजिएगा तो सफल होइएगा, उसको सही ढंग से पढ़िएगा तभी सफल होइएगा, तभी सक्सेस होइएगा। लेना तो अनिवार्य है, बिना मटेरियल के आपका बेड़ा पार नहीं होगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर किसी तरह मेरा वीडियोस देखकर क्वालिफाई भी कर लें तो आप मेरिट लिस्ट में छट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ वही लोग निकलेंगे जिनको कि गहराई से पढ़े हैं और जो सटीक पढ़े हैं, जिससे कि एग्ज़ाम निकलता है और वही क्वेश्चन आपको दोबारा वहाँ एग्ज़ाम में मिलता है, तो वहाँ आप सटीक लगाते हैं और ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आप वहाँ सक्सेस होते हैं। और फाइनल लिस्ट में भी शुरू में बहुत को लोगों को देखा है कि शुरू में जो लिस्ट आया तो रोल नंबर वाइज निकलता है, तो लास्ट में था, जब फाइनल लिस्ट निकला तो एक नंबर पर चले गए। हमारे जो स्टूडेंट हैं बेंगलोर में भी हमने देखा, लालगुड़ा वर्कशॉप में भी देखा, बहुत जगह देखा है। तो नोट्स लेना तो अनिवार्य है, साथ ही उसको पढ़ना भी अनिवार्य, यदि आपको सक्सेस होना है तो, ठीक है। ले लिए नहीं पढ़े वो भी गलत है, और नहीं लिए ऐसे पढ़ रहे तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि मेरा मटेरियल से पढ़िए, लेकिन आपको एक नसीहत देता हूँ कि बिना मटेरियल से पढ़े आपका सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अब कंपटीशन बहुत हाई हो गया है और मेरी वजह से ही हो गया है, मेरी वीडियोस को ही देख के लोग इतना नॉलेज इन लोगों को हो गया है कि अब तो 85-90 तक भी मेरिट जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको ध्यान वो भी रखिएगा जिन्होंने मटेरियल लिया है, लेके नहीं पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। चलिए हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, हाँ चलिए 17 देखिए। सुविधा पास पर बीच रास्ते में कितने यात्रा विराम स्वीकार है, सुविधा पास जो होता है जो कि आपको पास के रूप में मिलता है, प्रिविलेज पास, उसमें आपको अनमन चाहा आप जितना चाहें जो है ब्रेक जर्नी ले सकते हैं, ठीक है, इसका डी हो जाएगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस यात्रा पर ब्रेक जर्नी स्वीकार नहीं है, ये जो यात्रा है वो सेटलमेंट पास है, ठीक है, रिटायर हो गए हैं, सेटलमेंट पास लीजिए, सीधे डायरेक्ट घर जाइए, याद रखने का हमने ट्रिक बताया है, सेटलमेंट पास पर कोई ब्रेक जर्नी नहीं मिलती है, और इसलिए भी नहीं मिलती है शायद ज़्यादा एज है लोगों का, जब सेटलमेंट तो 60 के एवर भी होते हैं, उतरेंगे कहीं जाएंगे और तब तक ट्रेन खुल जाएगी, बेचारा सेटलमेंट वाले वैसे ही रह जाएंगे, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। 19 देखिए, ऑन ड्यूटी रेलवे अधिकारी को रिजर्वेशन के लिए अधिकतम बर्थ दी जा सकती है, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर 4 है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास एक डॉग भी होता है और वो फैमिली भी ऑन ड्यूटी में फैमिली के साथ भी कहीं जा सकते हैं, तो उनको कुल मिलाकर रैंक के अनुसार, किसी को फर्स्ट क्लास AC मिलता है, किसी को दो सीट फर्स्ट क्लास में मिलता है, बाकी दूसरे क्लास में मिलता है, इस तरह से रूल्स हैं, लेकिन 4 सीट मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें डाउट था कि नहीं 2 होगा, नहीं नहीं इसमें 4 होगा। 20 देखिए, रेलवे कर्मचारी को कब ऊंचे दर्जे का पास दिया था, देखिए जो ऊंचे दर्जे का पास देने का एक मेडिकल ग्राउंड ही है जिस पर उसको ऊंचे दर्जे का पास दिया जा सकता है, और वो जो है मेडिकल जो ऑफिसर है वो उनको सिफारिश करेंगे। 21 देखिए, ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स तो आप लोग मालूम है 3.5 होता है, इतना पढ़ाई कर लिए हैं कि आपको मालूम हो गए हैं, है कि नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ICF का राइडिंग इंडेक्स हो गया, उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ICF कोच का POH पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो होता है वो 18 महीना पर होता है, ठीक है, और 100 दिन की गारंटी होती है, अगर 100 दिन के बाद किसी प्रकार का फेल्यूर होता है तो जहाँ से ये POH होकर गई है ये गाड़ी, ये कोच, वहीं के स्टाफ जाके उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ICF कोच का IOH जो है, इसका जो है IOH 9 महीने पर होता है, इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। 24 देखिए, ICF कोच में बफर प्लंजर का फेस डाया, ICF कोच में बफर प्लंजर जो होता है उसका फेस डाया कितना होता है, ठीक है, तो इसका फेस डाया होता है 457 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक ही एंड पर दो बफर के बीच की दूरी होती है, एक ही एंड पर जो है दो बफर के बीच की दूरी 1956 होती है, तो 25 का हो जाएगा क, 25 का हो जाएगा क।
उसके बाद 26 देखिए 26। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा कमेंट्स में लिख सकते हैं। ICF बफर प्लंजर का बना हो, किसका बना होता है, ठीक है, कास्ट स्टील का बना होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको डी ले लेंगे, ठीक है। ICF कोच की वाटर टैंक कैपेसिटी जो है 1800 लीटर की होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ख। 28 का देखिए, पैसेंजर कोच में प्रयोग होने वाले कंट्रोल रिजर्वायर किसी भी कोच में सब 6 लीटर का ही होता है, तो 28 का हो जाएगा क, ठीक है। 27 का हो गया ख, 28 का क। तो इसके आगे का जो वीडियोस है आपको जल्द ही मिलने की संभावना है, जब मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास समय बहुत कम रहता है, फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊँगा। और जो जिन्होंने परचेज़ किया हो उनके पास तो ये क्वेश्चन आंसर पूरा है ही, तो आप ध्यान से पढ़िए और आगे का वीडियोज़ की प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।